नमस्कार दोस्तों, मैं मिली आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के आज मैं आपके लिए कुछ उपाय लेके आई हूँ। वह आपको कैसे करने हैं वह सब मैं आज आपको बताऊँगी। ये तो हम सभी ही जानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें गणेश जी को मनाना पड़ता है, और 13 तारीख 13 सितंबर को उन्हीं गणेश जी का जन्मदिन है। गणेश चतुर्थी के रूप में हम सब मनाते हैं। भगवान गणेश प्रसन्न होने पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, और कुछ और उपाय उनके करने से वह और प्रसन्न होकर हम सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ उपाय लेके आई हूँ। आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे उपाय करके हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। ये सब बताने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब तक ये उपाय पहुँचें और सबकी परेशानियों का निवारण हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान गणेश जी के कुछ उपाय। आपको पहले आप जब गणपति लाएंगे, हर कोई अपनी विश रख के जब गणपति रखते हैं तो उनकी वह विश जरूर पूरी होती है। आप जब गणेश जी लाएं, विधि विधान से उनकी पूजन करें, उन्हें स्थान दें, उन्हें भोग लगाएं, सुबह व शाम उनकी आरती करें। लड्डुओं का, मोदक का, जैसा आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपने उनको भोग लगाना है, उनका जल से अभिषेक करना है। उन गणेश जी को अर्थशीर्ष का पाठ बहुत ही पसंद है। आप अगर उनका अर्थशीर्ष का पाठ करते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, यंत्र शास्त्र के अनुसार गणेश यंत्र बहुत चमत्कारी यंत्र माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन अगर हम अपने घर में श्री गणेश जी का यंत्र स्थापित करते हैं विधि विधान से, तो सब प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यह यंत्र घर में रखने से किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का घर में प्रवेश नहीं होता। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके गणेश जी को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं, और वह भोग लगाने के बाद आप गाय को खिला दें। इससे धन संबंधी जो भी समस्या है उसका निदान हो जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन पीले रंग के गणेश की प्रतिमा अगर हम स्थापित करते हैं, और पूजा में गणेश जी को 5 हल्दी की गांठें चढ़ाते हैं, साथ में इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम गणाधिपते नमः। कम से कम 108 बार आप सुबह शाम इस मंत्र का जाप करते हैं और उन पे 5 गांठें चढ़ाते हैं हल्दी की, तो आपका कोई भी प्रकार का काम रुका हुआ हो, नौकरी का प्रमोशन रुका हुआ हो, या किसी भी तरीके का रुका हुआ काम आपका, वह पूर्ण हो जाता है। जिन लड़के व लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उनको 11 दिन यह उपाय करें, उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह होगा। अगर लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो उसे क्या करना है वह मैं आपको बताती हूँ। यदि लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उन्हें लगातार 11 दिन का श्री गणेश जी का व्रत रखें, उन्हें मालपुए का भोग लगाएं, उनका विवाह योग जल्द से जल्द बन जाएगा। अगर लड़के का नहीं हो रहा तो उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए और 11 दिन का व्रत रखें, लड़के का भी विवाह का योग जल्द से जल्द बन जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन हमें जो भी 11 दिन तक हम गणेश जी को दुर्वा, मोदक, गुड़, फल, मेवे का मिष्ठान अर्पित करते हैं, तो गणेश जी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह शाम अर्थशीर्ष का पाठ करते हैं तो वह तो बहुत ही उत्तम है। सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं खत्म होती हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, एक बात और मैं बताती हूँ। गणेश चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर माह में आता है, हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है, लेकिन साल में माघ, श्रावण, मार्गशीर्ष और भद्र के महीनों में संकट चतुर्थी, संकटी श्री गणेश जी चतुर्थी का व्रत अगर जो कोई रखता है, उसके जो भी काम नहीं बन रहे होते वह बनने शुरू हो जाते हैं। इस दिन एक दंत के रूप में विधि विधान से श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए, और
जिनके घर में संतान पक्ष को लेकर परेशानी है या लक्ष्मी जी की परेशानी है, वह इन एक दंत भगवान की पूजा करें, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगला उपाय मैं बताती हूँ। भूमि से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कोई ज़मीन जायदाद भवन बनाना है, उसके लिए मैं आगे के अब उपाय बताती हूँ। कोई अगर किसी प्रकार की भूमि लेना चाहते हैं और वह भूमि उनको नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें इन 11 दिन संकट नाशक गणेश स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और इसके साथ ऋण मोचन कमला मंगला स्त्रोत का 11 दिन आपने पाठ करना है। मैं फिर बताती हूँ, भूमि प्राप्ति के लिए आपने 11 दिन संकट नाशक गणेश स्त्रोत का और साथ ही साथ ऋण मोचन मंगला स्त्रोत का पाठ करना है। भवन के लिए जिनका घर नहीं बन पा रहा, उन्हें क्या करना है, उन्हें 11 दिन भगवान श्री गणेश का पंचरत्न स्त्रोत तथा भुवनेश्वरी चालीसा या भुवनेश्वरी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। संपत्ति प्राप्ति के लिए उन्हें नियम से श्री गणेश जी का उनकी गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए, साथ के साथ कनक धारा स्त्रोत का या फिर श्री सूक्त माँ लक्ष्मी जी का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, श्वेतार्क गणेश की पूजा करने का बहुत महात्म्य है। श्वेतार्क दो जब गणेश जी की हम पूजा करते हैं, वह बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? श्वेतार्क गणेश की पूजा जब हम करते हैं, उनका जब मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उन्हें लाल या पीले रंग के आसन पे उन्हें विराजमान करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए मोदक का। ओम गंग गणपते नमः, इन इसकी 21, 51, 108 माला आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। अगर आप हवन करते हैं तो उसका और भी ज़्यादा आपको पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप कोई इच्छा रख के मन में यह उपाय करते हैं, तो बहुत जल्द से यह आपका कार्य पूर्ण होता है। साथ के साथ गणेश जी के अगर हम कीर्तन भजन इस तरीके से करते हैं, तो गणेश भगवान और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अभी ये मैं कुछ उपाय आपके लिए लेके आई हूँ। अब मैं अगली वीडियो में और आपको उपाय बताऊंगी, उनके पूजन क्या पूजन करने से क्या लाभ होता है, वह सब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी।